हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज फिर से वीडियो के अंदर लेके आया हमारे अंकित भाई मॉडिफिकेशन 2S की। सही कह रहे भैया, 2S रहने वाली है आज। 2S रहने वाली है भैया। क्या कुछ वेरिएंट अपना ये भैया? 2S वेरिएंट रहने वाली है। वैसे LXi भी कह सकते हो, बस इसमें CNG आती है, उसमें CNG नहीं आती, बस इतना ही फर्क होता है। ठीक है, बाकी दोनों गाड़ी सेम रहने वाली है। तो ये बताओ, गत्ते निकाल रखे, गाड़ी खोलो, ये काम क्या चल रहा है अपना? पावर विंडो भी चेंज कर रहे हैं भैया इसके अंदर। ZXi प्लस का लगाने वाले, टॉप एंड वेरिएंट का। तो मतलब ये बर्बाद बेकार है फिर? ये बेकार है भैया, कूड़ा है ये, हटाओ। कूड़ा है वाला, कब तक करोगे इसको? हटाओ। चलिए तो दिखाओ भी क्या कुछ। सबसे पहले फ्रंट से बता दूं मैं आपको, हेडलाइट देख लो, हेलोजन इसमें लग के आता है, हेलोजन ही है। LED भी है, कुछ इंस्टॉल नहीं करवाना है। ठीक है, कभी नेक्स्ट टाइम प्लान कभी करते हैं लाइफ में आगे जाके, तो LED इसके अंदर लग सकता है। ठीक है, 100 वॉट से लेके 400 वॉट तक हमारे पास एनी टाइम आपको अवेलेबल मिल जाएगी LED में। नीचे की तरफ भी 60 वॉट से लेके 400 वॉट तक आपको नीचे मिल जाएगी। वैसे इसमें मिंडा की लाइट लगाई है हम लोग ने। ठीक है, प्रॉपरली फिटिंग देख लो यार, हेलोजन ही अभी अपनी मैं चेक आपको करवा देता हूँ। हेलोजन अभी है। ठीक है, ये देख लो प्रॉपरली फ्यूज वगैरह आपको मिल जाते हैं जी, और एक नहीं भी है, दो दो फ्यूज आपको मिलते हैं। ठीक है, एक आपका रहने वाला है सेंटर लॉक का फ्यूज, सेंटर लॉकिंग का है, और एक आपका फ्यूज रहने वाला है उसका भी है, फॉग लैंप का। ठीक है, तो प्रॉपरली आपका फ्यूज से और प्रॉपरली कपलर टू कपलर सारा काम किया जा रहा है जी। रिले वायरिंग भी चेकआउट कर लो, कोई भी डायरेक्ट वायरिंग से हम लोगों ने काम, मतलब बिल्कुल लोड नहीं पड़ने वाला, कहीं लोड नहीं पड़ने वाला। रिले भी इसके लिए अंदर लगा के हम लोगों ने दे रखी है। 20 एम्पीयर का रिले रहता है जी, 10 एम्पीयर की लाइट कनेक्शन अपनी लेती है, 20 एम्पीयर का रिले लगा के देते हैं, जिससे उसे ओवर वोल्टेज कभी ना मिले। ठीक है, तो इसलिए पूरी सेफ्टी के साथ काम करके देते हैं, जो आगे जाके आपको कोई भी इफेक्ट वगैरह देखने को ना मिले। ठीक, और क्या कुछ रहता है? साइड प्रोफाइल में आ जाओ, साइड प्रोफाइल में बता देता हूँ। साइड बिल्डिंग देख लो, ये कंपनी की रहने वाली है, मारुति सुजुकी जेन्युइन। जेन्युइन आपको मार्केट चाहिए सस्ते में, चाहे मारुति सुजुकी चाहिए जेन्युइन, तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे मेरे पास। आप आके एनी टाइम इसको लगवा सकते हो। ठीक है, सुपरवाइजर भी अपने जेन्युइन वाले रहने वाले हैं जी, जो कि हल्के से आप देख सकते हो, इसमें आपको डलनेस हल्का सा मिलेगा, हल्की डलनेस, ट्रांसपेरेंसी भी यहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सुपरवाइजर चाहिए ये वाली भी मिल जाएगी, आफ्टर मार्केट में चाहिए सस्ते में तो वो भी मिल जाएगा भैया। और ये ऊपर जो कहलाया है, अपने लगाएगा? नहीं भैया, ये भैया लगवा के आ गए पहले से ही, और किसी को ऐसा कुछ लगवाना हो तो लगवा सकते हैं, ऑप्शन है मेरे। चलिए ठीक है, साइड में भी इंडिकेटर लगाएं, जो कि प्रॉपर्ली आपके इंडिकेटर वगैरह ब्लिंक करेगी। इधर फेंटर गार्निश लगवाना है, ये फेंटर पर से इंडिकेटर हटवाना है, आप करवा सकते हो, आपकी ऑप्शन है। भैया को नहीं करवाना था तो यहाँ पे साइड में भैया ने लगवा रखा था जी। बाकी हम लोगों ने हैंडल क्रोम इसके अंदर लगा दिया है। ठीक है, 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, कितना भी साइन कितना भी रब करो कुछ भी करो, इसका डल नहीं पड़ने वाला जी। ये वैसे मारुति की जेन्युइन लगी हुई है, जेन्युइन वाली है, जेन्युइन वाली आफ्टर मार्केट चाहिए मेरे पास, आपको गैलियो का मिल जाएगा जी। बाकी आपको ब्लैकेट वगैरह में मेरे पास काफी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसपे 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, और ये कॉस्टली ज्यादा होती है। ठीक है, मेरे मुकाबले मेरी सस्ती मिलेगी, ये कॉस्टली ज्यादा होती है। ठीक है, तो बैक प्रोफाइल में चले, बैक प्रोफाइल में क्या कुछ है इस बार? बैक प्रोफाइल में बताया था, उससे पहले भी व्हील कैप भी देख लो, व्हील कैप भी हम लोग लगा दिया। अच्छा, डिजाइन अपना मारुति वाला ही रहने वाला है। तो भैया अगर व्हील कैप की जगह हम अलॉय में जाना चाहे तो क्या कुछ ऑप्शन है आपके पास? जेन्युइन भी, आफ्टर मार्केट भी है, मैं हर वीडियो में आपको दिखाता भी हूं, बताता भी हूं, आप चाहो तो उसको लगवा सकते हो। ठीक है, तो बैक में क्या कुछ दिखा रहे इस बार? बैक में भैया देख लो, बम्पर गार्ड इंस्टॉल कर दिया, हैवी रहने वाला है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको मेरे पास। इसमें डाइजेस्ट का भी मिल जाएगा, बाकी आफ्टर मार्केट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, बैक कैमरा इंस्टॉल कर दिया, अभी इसको अंदर इंस्टॉल करना बाकी है जी, तो इंस्टॉलिंग के बाद मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। डिक्की ऑपनर नहीं लगा रहे, चाहिए आपको मेरे पास अवेलेबल है, आप आके लगवा सकते हैं। प्राइसिंग बताता हूँ, मत 2800 रुपए में, मात्र 2800 रुपए, सारी कनेक्शन सब कुछ करके आपको मैं कंप्लीट आपको दे दूंगा, कोई वायरिंग कोई किसी चीज का अलग से आपको खर्चा नहीं देना। ठीक है, अब अगर थोड़ा अंदर चले, अंदर इधर डोर जो आप कर रहे हो वो बेकार है, तो यहाँ पे लगाया क्या हमने भैया? उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे पावर विंडो चेंज कर दिया पूरा जी, ये देख लो भाई, पावर विंडो यहाँ पे गत्ते ही आपके रिप्लेस कर दिए। उसके बाद ये सॉफ्ट टच होता है, किसी भाई को इस फैब्रिक पे आपको लेदर रैप करवाना है सीटों के कॉम्बिनेशन से, तो आप करवा सकते हो। इनर हैंडल हम लोगों ने चेंज कर दिया भैया, टॉप एंड वेरिएंट का इनर हैंडल लगाया, टॉप एंड वेरिएंट का गत्ता भी लगाया। टॉप वेरिएंट में मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या होता है, यहाँ पे आपको बुरन निशान मिलता है जी, और जो आप बेस मॉडल वाला मतलब इससे नीचे वाले वेरिएंट का लोगे, इसमें आपको बेस कलर का ही मिलेगा, आपको बुरन निशान प्रोवाइड नहीं करता। तो भैया ये जो खाली स्पेस है ये किस लिए अपना? बी मिरर का होता है, वैसे हम यहाँ पे कैप लगा के देंगे। ठीक है, सेकेंडरी बात की जाएगा, यहाँ पे नीचे देख लो भाई, वेलकम लाइट, वेलकम लाइट लगा दी है वेलकम करने के लिए। उसके बाद वाटर प्रूफिंग हम लोग ने क्रोकोडाइल वाली मैट लगाई है इसके अंदर, ठीक है, जो कि नीचे अपनी बिना सलवट के बिना किसी चीज के आपको प्रॉपरली इंस्टॉल रहती है। फिर सीट कवर कर दिए लग्जरी वाले भी, स्टीयरिंग पे रैप कर दिए, स्टीयरिंग चेंज करवाना आप करवा सकते हो, मीटर चेंज करवाना है मीटर भी चेंज आप करवा सकते हो। मीटर का क्या कुछ प्राइस पड़ जाता है अपने पास? मीटर करवाओगे भी आपको मात्र 8200 रुपए में मैं दे दूंगा, बेस्ट टू टॉप सारा काम करवाओगे तो। ठीक है, तो भाई देख लो, बाकी सिस्टम में भी कुछ चल रहा है, यहाँ पे काम चला है वायरिंग वायरिंग का जी, बिल्कुल कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं अपने एंड्रॉइड की सिस्टम है, मेन कपलर और बाकी पीछे के कपलर उससे भी कनेक्ट है जी। स्पीकर देखो चालू है, स्क्रीन काम यहाँ पे प्रॉपर कर रहा है जी, अभी वैसे ही गाड़ी पूरी कंप्लीट होती है तो मैं आपको सब कुछ इसका चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो भाई गाड़ी तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अंकित भाई पूरा हो गया काम यहाँ पे? पूरा हो गया भाई, ऑल ओवर कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी अपनी जी। फ्रंट से कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं थी, सिर्फ फॉग लैंप लगाया था जैसे कि मैंने आपको बताया था जी। रिस्पॉन्स भी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ उसके एक बार। ठीक है, पहले आप ये देखो फॉग लैंप का यही रिस्पॉन्स मिलेगा अभी आपको जी, देखो 35 वॉट में इससे ज्यादा कुछ मिल भी नहीं सकता।
अगर आपको एलईडी चाहिए तो 60 वॉट से लेके 400 वॉट तक आप एलईडी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। हेडलाइट देख लो भैया, डे टाइम में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, नाइट टाइम में थोड़ा सा आपको बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा जी। बाकी एलईडी मतलब आप कितने कितने वॉट की अवेलेबल होगी भैया? हेडलाइट में जाओगे तो 100 वॉट से स्टार्ट है, 400 वॉट तक है। नीचे फॉग लैंप में जाओगे 60 वॉट से लेके आपका 400 वॉट तक वो भी है, ठीक है। लेकिन बेटर मैं कहूंगा कि एलईडी ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि देखो पावर इतना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आप देख तो मतलब एलईडी ज्यादा लोड तो नहीं लेता बैटरी पे? नहीं भैया, रिले लग के आती है, इसमें हार्नेस होता है प्रॉपरली, ठीक है। वो लोड आपका ज्यादा लेगा नहीं, जितना आपका हैलोजन पावर लेगा सेम पावर में आपको अच्छी लाइट निकाल के दे देगा, ठीक है। तो भाई आपको मिल जाएगा। भाई साइड प्रोफाइल में जैसे आपने बताया था, साइड प्रोफाइल में व्हील कैप जी, साइड बीडिंग ठीक है, डोर वाइजर जी, हैंडल क्रोम ठीक है, और अपना मिरर इंडिकेटर लगाए जी, जो कि प्रॉपरली इंडिकेटर अपना ब्लिंक वगैरह सब कुछ करेगा चाबी लगाने पे। तो भैया ये तो चालू करिए, इसके लिए फ्लिप की भी लगाई है क्या भैया? सेंटर लॉकिंग भी की है, आरडी ब्रांड की रहने वाली, 3 साल तक आपको होम सर्विस इस पे मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपरली लॉक अनलॉक सब कुछ होगा अपना जी, यहीं से मैं लॉक और लॉक अनलॉक सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। चाबी भी एक आपको मिलती है फ्लिप वाली, जिससे आप गाड़ी को स्टार्ट ऑन ऑफ बटन सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार इंडिकेटर दिखा दो इसका, मैं इंडिकेटर आपको प्रॉपरली एक बार वर्किंग इसकी दिखा देता हूँ। देखो भाई चाबी ऑन करते हैं, इंडिकेटर शो करते हैं, ये देख सकते हो आप, ये आपका ये वाला इंडिकेटर, और ये भी इंडिकेटर अपना प्रॉपरली चल गया भैया, ठीक है। अगर भैया अगर इस फेंडर पे इसके इंडिकेटर जाए कुछ और लगा तो क्या कुछ ऑप्शन है अपने पास? ये फेंडर गार्निश में काफी ऑप्शन है अपने पास, आप आके इजीली इसको चेंज करवा सकते हो। गार्निश में भी 2-3-4 डिजाइन आराम से पड़े रहते हैं, आप आके उसको भी लगवा सकते हो, ठीक है। उसका भैया अगर ऑटो फोल्ड वगैरह होता है इसमें कुछ अपना? ऑटो फोल्ड मिरर होते हैं भैया, ऑटो फोल्ड मिरर चाहिए तो वो भी आप करवा सकते हो। क्या प्राइस है? 8,000 रुपए के प्राइस में आपको दे दूंगा, बेस्ट टू टॉप पर। 8,000 बेस्ट टू टॉप पे? बेस्ट टू टॉप भाई 8,000 में दोनों साइड के मिल जाएंगे, यानी एक साइड दोनों साइड के आपको मिलने वाले हैं बेस्ट टू टॉप पे। भाई इंटीरियर में आ गए हम लोग, अब एक बार आप इंटीरियर चेकआउट करो। लग्जरी सीट कवर नीचे की, उसके बाद फ्लोर मैट क्रोकोडाइल वाले, 70 मैट भी हैवी में रहने वाले, 70 भी नहीं कहेंगे इसको, 90 मैट कहेंगे। स्टीयरिंग पर प्रॉपरली ओएम रैप जी। उसके बाद आप स्टूडियो देख लो, कंट्रास्ट स्टूडियो का। पावर विंडो चेकआउट कर लो जी, प्रॉपरली आपकी वर्किंग रहने वाली भैया, ठीक है। और इसमें आपको ऑटो डाउन फीचर भी मिल जाता जी, तो वो ठीक है। ये सब क्या पड़ा है यहाँ पे? ये क्या भैया, इन्हें हैंडल चेंज कर दिए ना? और ये घुमाने वाला था भैया, उसको हटा के देखो, पावर दे दिए चारों डोर में भैया। देखो भाई पीछे, यहीं से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये देखो। और पीछे का? पीछे का भी करूंगा भैया कंट्रोल, ये देखो। तो भाई तो ठीक है, अब तो ये बेकार है, मतलब ये बच्चों बच्चे खेलेंगे, काम के है भी नहीं। अब बेस मॉडल जिस भाई के पास है, मैं तो कह रहा हूँ बेस टू टॉप करवाओ यार, मात्र लेके जाओ ना 13,000 रुपए में, 13,000 में गत्ते के साथ, जेन्युइन वायरिंग, जेन्युइन स्विच, जेन्युइन कैची, जेन्युइन डोर, लो भाई सब कुछ के साथ इनबिल्ड आपको मिल जाएगा मात्र मात्र 13,000 रुपए में। भाई मात्र 13,000 में ये आपको हो जाएगा बेस टॉप पे, बेस टॉप करवाते हैं तो। तो अब ये मुझे ये बताओ, स्टीयरिंग में अच्छा तो लगा लेकिन मजा नहीं आ रहा इसके अंदर भैया? कंट्रोल तो लगवाओ ना यार, पूरा स्टीयरिंग चेंज करवाओ, मात्र 2,000 रुपए, 2,000 रुपए में, सिर्फ 2,000 रुपए दो, पूरा स्टीयरिंग चेंज करवाओ, लो भाई बेस टॉप पर 2,000 में पूरा स्टीयरिंग यहां पे आपका चेंज होने वाला है। भैया को यहां पे चेंज नहीं करवाना था, बजट नहीं था कि क्या नहीं था पता नहीं भैया। नेक्स्ट टाइम आएंगे कहेंगे कि कह रहे कि मुझे ये भी चेंज करवाना है, मीटर भी चेंज करवाना है, पीछे डिग्गी ओपनर भी लगवाना है, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट टाइम आएंगे भैया, नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे। बाकी अभी तो स्टीयरिंग रैप कर दी हम लोग ने, फिलहाल ओएम रैप रहने वाली, स्टिचिंग भी चेक आउट कर लो, फिनिशिंग भी देख लो, आप आपके सामने में सब कुछ आपको इसीलिए दिखाया जाता है भैया, ठीक है। अभी अदर अंदर बैठो यार, सर ये स्टूडियो के बारे में बताओ, क्या कुछ है स्टूडियो के अंदर, अपना क्या सिस्टम रहता है इसमें भैया? स्टूडियो का भी सिस्टम आप देखो प्रॉपरली, डैप्स की हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडियो लगाई है, ठीक है। जो कि अपनी रनिंग वनिंग आप चेक कर सकते हो प्रॉपरली, आपको रनिंग पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी इसकी अगर मैं वीडियो क्लैरिटी की बात करूं तो आप इसके ऊपर वीडियो क्लैरिटी भी चेकआउट कर लो भैया, मेरे को भाई वीडियो क्लैरिटी चेकआउट कर लो, थोड़ा भी रिफ्लेक्शन आ रही है इसमें, बट यहाँ पे देख सकते हैं क्लैरिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी, बहुत अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब बैक कैमरे की मैं आपको रेजोल्यूशन की बात करूँ भैया जी, तो बैक गियर में भी आप बैक कैमरा भी चेकआउट कर सकते हो, एक सेकेंड देखो भाई आपका बैक कैमरा लग गया भैया। यहाँ पे आप पीछे का क्लैरिटी चेकआउट कर लो, डे टाइम रहने वाला है, एक एक दुकान का नाम वाम आप सब कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ पे, वाइड एंगल भी ऊपर से आपको देखने को मिला, एचडी पे चल रहा है, एचडी पे चल रहा है, सीसीडी पे नहीं चल रहा, सीसीडी का मतलब नॉर्मल हो जाता है भैया, ठीक है। तो कभी भी लो तो एचडी कैमरा लो, जिससे नाइट विजन आपको अच्छा मिल जाए, तो यहाँ पे क्लियरिटी आपको है ना एच टू एच इसकी फिटिंग मिल जाएगी, और प्लस प्लस यहाँ पे गाइडलाइन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई गाइडलाइन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्योंकि भाई मैं बताऊँ तो भाई काम तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, काम में कोई इशू यहाँ पे आ नहीं रहा, एंड वर्किंग बहुत प्यारी है इसकी, देख सकते हैं भाई इजीली वर्क करेगा भैया। और इसमें ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं अपने पास, मतलब ये सब कुछ ऑप्शन रहते हैं, अपने आईडी वाईडी बनाओ आप जी, अपना यूट्यूब फेसबुक जो भी आपको चला सकते हो इसके अंदर नॉर्मली एंड्रॉइड में, आप वो सब चीजें इसके अंदर। अच्छा मतलब ये हमारा नॉर्मल बेसिक वाला एंड्रॉइड रहने वाला, बेसिक नहीं भैया, बेसिक से थोड़ा ऊपर कैटेगरी रहने वाला है, बेसिक जो हो जाता है उसकी स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी नहीं आती, डिस्प्ले का कलर्स अच्छे नहीं निकल के आते, साउंड अच्छे प्रोवाइड नहीं करते, बहुत इशू रहता है उसके अंदर। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप 4-4.5 हज़ार के बजट में जाओ, थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, अच्छी चीज लगवाओ,
अच्छा तो भैया जैसे इसमें मेरे को एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड वाले चाहिए हो, इसमें हाईली कनेक्टिविटी हो, तो उसका स्टार्टिंग प्राइसिंग क्या कुछ हो जाती है भैया? मात्र 6,500 रुपए से स्टार्टिंग है, लेकिन कम से कम मैं आपको कहूंगा भैया कम से कम 7.5, 8, 9.5 के रेंज तक आप आओ, मतलब वो बेटर हो जाएगा क्योंकि प्रोसेसर भी है उसके अंदर हमें हाई चाहिए होता है जी। अगर हम लो प्रोसेसर में अगर एप्पल कारप्ले डिवाइस आपकी गाड़ी में लगा देंगे तो उसमें लैगिंग और हैंगिंग का बहुत ज्यादा इश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कम से कम प्रोसेसर जिस एंड्रॉइड में अच्छा हो, एप्पल कारप्ले हो, तो आप उसी में ज्यादा जाओ क्योंकि उसकी प्रोसेसर हाई लेवल की चाहिए होती है और फिर वर्किंग फास्ट, जो उसकी वर्किंग फास्ट करे, वर्किंग उसकी सपोर्ट करे, क्योंकि वो एक साथ चार काम कर रहा होता है जी। नॉर्मल भी चलाता है एप्पल का, एप्पल भी आपका कनेक्ट करता है, उसके बाद एंड्रॉइड ऑटो भी चलाता है, फिर बाकी नॉर्मल एक्टिविटी भी करते हैं उसपे, तो भी वो चारों पांचों काम संभालता है, तो इसलिए उसके हाई एंड थोड़ा सा चाहिए होता है इसके अंदर। ठीक है, तो भाई देख लो आपको यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गया एंड्रॉइड के रिगार्डिंग जी। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भैया, सब मैट लगा के देते फ्रेम आपको, मैं देखो यहाँ पे भैया ग्लोसी आपको लगा के देता हूँ शुरू से लेके अभी तक, ग्लोसी फ्रेम आपको ही हमेशा फिट करके देता हूँ भैया। तो उसका मैट का चार्ज लेते हो क्या आप भैया? फ्रेम का जो चार्ज होता है नॉर्मली वही चार्ज होता है, ग्लोसी का मैं अलग से चार्ज नहीं लेता, मतलब फिटिंग चार्ज कोई एक्स्ट्रा नहीं लेता? नहीं भैया नहीं, चलो भाई कोई फिटिंग चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लेता। तो भाई देख लो बहुत सी दुकान फिटिंग चार्ज लिया जाता है, बट मेनली यहाँ पे आपका फिटिंग चार्ज नहीं जा रहा, क्योंकि भाई आपको तो प्रोवाइड की चीज अच्छी, अगर आप बेस्ट टॉप करवाते हैं तो आपको भी फायदा, ऊपर से भाई क्वालिटी आपको अच्छी मिले, थोड़ा आपके पैसे भी बच जाते हैं, भाई टॉप तो टॉप ही लगती है, टॉप तो भैया टॉप ही लगती है, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर कभी भी आप काम वगैरह करवाते हो तो LXi वगैरह, चाहे आप टूरिस्ट वगैरह ले रहे हो, तो ऐसा जगह से काम करवाओ जो बंदा इस चीज में एक्सपर्ट है, मतलब जो इसका काम ही कर रहा है जी। कोई बंदे होते हैं कि हाँ दो चार सामान रख लिए लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं है उस चीज जी, तो भैया कोई फायदा नहीं ना, आपकी वायरिंग वगैरह कट करेंगे, वारंटी भी अबॉर्ड कर देंगे जी। हमारा तो सारा काम भैया कपलर टू कपलर होता है, चेक भी करवाते हैं एक एक वायरिंग और एक एक स्विचेस भी आपको दिखाते हैं कि भैया कैसी इसकी फिटिंग हो रही है, कैसी इसकी ये चीज की वर्किंग हो रही है। अब मुझे एक चीज ये बताओ, जैसे ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मजा सा नहीं आ रहा है, ये भी लगाएंगे ना इसको? अच्छा ये भी लगेगा, अभी लगाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री लो भाई, आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल जाएगा। एंड भाई देख लो अभी कुछ इस तरीके से, बाकी टॉमोडर लगे इसमें, टॉमोडर वाला लगे भैया ZXi प्लस वाला, ठीक है। बाकी उसके बाद भैया मीटर की भी मैं आपको प्राइस बताता हूँ, मात्र 8,500 रुपए, 8,500 रुपए। एक बार आप पेन कॉपी ले रखे हो तो लिख लो, मैं आपको एक एक चीज की प्राइस बता देता हूँ, ठीक है। पावर विंडो सारा काम बेस टू टॉप करवाते हो 13,000 रुपए में ले जाओ, स्टेयरिंग मात्र 2,000 रुपए में, फिटिंग हब के साथ। उसके बाद मीटर भैया 8,200 रुपए में ले जाओ, साइड मिरर मात्र 8,000 रुपए में ले जाओ, डिग्गी ओपनर 2,800 रुपए में ले, ठीक है। किसी चीज के लेबर नहीं देनी है आपको, किसी चीज के एक्स्ट्रा कुछ पैसे नहीं देने, सब कुछ कपलर टू कपलर और सब कुछ मेरा रहेगा, आपको कुछ नहीं देना, जो रेट बताया उस रेट में आप काम करवा दो, ठीक है। अब मैं एक चीज बताऊं, जो इंटीरियर तो है यहाँ पे, ठीक है, इंटीरियर करते हो आप जी, तो मेनली जो आपने सीट कवर करे है जी, सीट कवर अलग मुझे पर्सनली अच्छे लगे, ब्लैक कलर में सिल्वर कलर की फिनिशिंग, थ्रेडिंग, पहली बात तो आप इसकी फिटिंग देखो आप जी, उसके बाद एक एक रिंकल आप देख लो इसमें, कहीं रिंकल वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो भैया इसके अंदर अगर मैं जैसे मेरे को पर्सनली कुछ और चाहिए कस्टमाइजेशन में जाना चाहूँ, जैसे कि आपका ब्लैक, इसका पर्पस जी, ब्लैक आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए रेड जी, येलो जी, चाहे आपको कुछ और कलर चाहिए, ग्रीन वगैरह कुछ भी जी, कस्टमाइज करवा सकते हो। अच्छा, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज रहता है? कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं भैया, जो इसकी कॉस्ट है वही कॉस्ट आपसे उसकी भी चार्ज की जाएगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, बस टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा घंटे का इसमें टाइम लग रहा है आपकी गाड़ी के अंदर, सपोज करो 3 घंटा लग रहा है, 3.5 घंटा लग रहा है जी, उतने देर में आपका कस्टमाइज सीट कवर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका कस्टमाइज सीट कवर रेडी हो जाएगा। एंड अगर बात करें तो भाई अलग अलग डिजाइन कलर सब अवेलेबल हो जाएगा अपने पास, सब कुछ अवेलेबल भी है, जैसा आपका अगर मान लो कोई डिजाइन है आपके पास जो आपको बनवाना है, रेडी करवाना है, आप वो करवा सकते हो। प्लस देख लो फिटिंग फिनिशिंग देखो भैया, एक एक आप देख सकते हो, रिंकल वगैरह आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, चाहे ये बैग हो चाहे हमारा ये बैग हो जी, रिंकल देखने को कहीं नहीं मिलेगा, फिटिंग फिनिशिंग इसको कहते हैं, प्रोफेशनल काम इसको कहते हैं भैया, ठीक है। वो नहीं कि डी फिट वाला सीट कवर लिया है, मत्थे पे सिर्फ कांटा मारे और लगा दी हम लोगों ने, उसके बाद उसकी फिटिंग ही नहीं है कुछ भी, कम्फर्ट ही नहीं है कुछ भी, कस्टमर खुद परेशान है बेचारा, लगा के पैसे दे दिया उसके बाद परेशान है वो, तो वो वाला काम नहीं भैया। अमरीश लगाया हम लोग ने जी, वैसे इसका मैं पर्सनली बताऊँ तो जेन्युइन अमरीश कोई भी नहीं है, मुझे खुद ही अमरीश अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही है कि कुछ ऑप्शन नहीं है तो लगाना पड़ता है जब तो ये अवल। बाकी स्लाइडिंग फीचर आपको इसके अंदर मिल जाता है, स्पेस कितना होगा इसमें? स्पेस देखो भैया काफी स्पेस है, स्पेस भी अच्छा खासा है इसके अंदर, ऐसा ये देखो जैसे कि मेरा फोन है जी, इजीली इसके अंदर आ गया और 2-3 फोन हो गए, 2-3 से ही गया भाई, 2-3 फोन हो जाएंगे इसके अंदर, ये देखो इजीली बंद भी होगा, कहीं नहीं अड़ेगा जी। और इसमें फ्रंट बैक का फीचर चल रहा है इसके अंदर जी, उसके पीछे से आपका ये देख सकते हो भैया ग्लास होल्डर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एस्ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है जी भाई, देखो इसको इजीली ऐसे निकाल भी सकते हो, ठीक है, साफ सफाई करने के लिए, मैं बढ़िया चीज है ये भी अपनी, ये अपनी आफ्टर मार्केट है भैया, आफ्टर मार्केट भी इसका जेन्युइन बना नहीं हुई, ठीक है ठीक है। तो भाई देखो ये सब काम यहाँ पे किया गया था, तो काम मेरे को पसंद अच्छा लगा, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं वो काम कैसा लगा, एंड जो प्राइसिंग है भैया ने आपको बता दिया, आप चाहे वीडियो को पीछे करके पूरी लिस्ट बना के देख सकते, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप आइए बात करिए हमारे अंकित भाई से, सब कुछ आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो भैया अवेलेबल भैया आना कहाँ होगा इस काम के लिए? भैया दिल्ली का रोल बाग अब्दुल अजीज रोड, शॉप हमारी रहने वाली A4 का एसेसरीज,
स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, 9643969973 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला है। अतुल भी आपको शॉप पे मिल जाएगा, मैं भी मिल जाऊंगा, आप इजीली आ सकते हैं। कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मुझसे आप व्हाट्सअप पे चाहे कॉल के द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनी टाइम आपके लिए हम लोग अवेलेबल है, आप कॉल करिए, कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे गाड़ी डायरेक्ट लेके आप आ रहे हैं तो मुझसे कॉल करके लोकेशन भी मंगा सकते हैं, आप इजीली आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं भैया। इतनी गाड़ियाँ आती है, एक गाड़ी ये रही, एक गाड़ी पेंडिंग में भी पार्किंग में खड़ी हुई है, उसके बाद एक शिफ्ट आ रखी है, फिर एक नई वाली शिफ्ट आ रखी भैया, चार चार पाँच पाँच गाड़ी पड्डे की कर रहे हैं, तो मिल गया बार तो मैं डील करते हो। हाँ भैया, तो खुद समझ सकते हो कि हमारा काम कैसा है भैया जी। काम हमारा इसी तरीके का है कि आपको सेटिस्फाई पूरी मिले, सेटिस्फेक्शन पूरी मिले, कोई भी वारंटी लॉस ना हो, जेन्युइन पार्ट्स में डील आपको मिले, और कोई भी ऐसा चीज ना हो जो आप कभी लाइफ में आगे जाके कहो भैया कि फ्रॉड हुआ मेरे साथ। तो इस चीज से हम लोग खुद दूर रहते हैं और आपको भी दूर रखते हैं भैया, तो आइए विजिट करिए, आप काम करवा सकते हैं इजीली भैया। सो गाइस, ये हमारी गाड़ी के प्रोडक्ट, कैसे हो सर आप? ठीक है। क्या नाम है सर आपका? प्रीतम कुमार। और कहाँ से आए हैं? हम तो मेरम नगर से आए हैं। अच्छा, तो सर वहाँ से यहाँ पे आए? एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट से इतनी दूर यहाँ पे आए हैं, आपको कैसे पता चला भैया के बारे में? हम तो यहाँ आते रहते हैं बड़े भाई। अच्छा, आते रहते हैं आप। तो सर यहाँ पे आपने जो भी काम करवाया, जैसे आपने सीट कवर करवाया, एंड्रॉइड लगवाया, तो ये सब कैसा लग रहा है काम होने के बाद? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी होता है तो यहाँ एक कॉल कर लेते हैं तो क्लियर हो जाती है दिक्कत। तो अगर काम को देख के नंबर की बात करें, 10 में से क्या नंबर देंगे आप? सही है, 10 नंबर देंगे पूरे। हाँ चलिए, सब बढ़िया बात है। बाकी जैसे आपको सर यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर आने के लिए।